वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन। पिछली वीडियो वो 5 मिनट्स एक्सीड हो गया था तो इसलिए वो बंद हो गई। सो आज की वीडियो में हम यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं वो भी जानेंगे एंड अपना जो पिछला पार्ट था वो भी कंटिन्यू करेंगे। अगर पिछला पार्ट नहीं देखो तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, हम देख सकते हो वहाँ से। तो सबसे पहले तो हम इसको पूरा कर लेते हैं अपना मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज, हम सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के लिए कर लेते हैं, एम ही लिखते हैं, उतना लंबा नहीं जाना चाहिए वीडियो नहीं तो फिर से बंद हो जाएगा। सो ए इंटू हमें लिखना पड़ेगा, इंटू में हम बी लिख देते हैं एंड यहाँ पे हमने एम लिख दिया। एक बार फिर से कॉमा लगाते हैं एंड यहाँ पे इस बार हम डिवीजन लिखेंगे। डिवीजन इज, हम यहाँ पे इसको डिवीजन को डी दे देंगे एंड यहाँ से हम डी इज इक्वल्स टू ए स्लैश बी एंड F5। ओके एंड हो रहा है गाइस। ओके सम इज 10, सबट्रैक्शन इज 0, मल्टीप्लिकेशन 25 एंड डिवीजन इज 1। सो ये हमारा फाइनल वर्क हो चुका है। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, हमारा यूजर इनपुट हम कैसे लेते हैं वो सारी चीजें अभी हम जानने वाले हैं। तो यूजर इनपुट में चलिए देखते हैं यूजर इनपुट लिया कैसे जाता है। तो सबसे पहले तो हम ए को ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इनपुट टाइप होता है, ए ही रहने देंगे हम, उसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं आप लोगों को क्योंकि आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। तो देखिए यहाँ पे इनपुट में आप लोगों को बस लिख लेना होता है जो भी आपको टेक्स्ट डिस्प्ले करना है एंटर द नंबर टाइप का, तो वो तो आपको कोटेशन मार्क में ही लिखना पड़ेगा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे लिखते हैं एंटर योर फर्स्ट एंटर। ये जो मैंने साइन लगाया ये आपको नेसेसरी नहीं है, मैंने बस इसके आगे नंबर लिख जाएगा तो इसलिए मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर भी हम सेक वही चीज़ लिख लेते हैं, तो यहाँ से जल्दी से इसको कर लेते हैं कॉपी एंड यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, एंटर योर सेकेंड नंबर। तो अब जो है इसमें एक एरर आएगा, कोड में कोई भी एरर नहीं आएगा बट जब हम उसको रन करेंगे तब एक एरर आएगा। नीवी 5 5, देखिए एरर आ गया। सो ये एरर हुआ क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर नहीं लिखा क्योंकि हम दो इंटीजर्स को ऐड करने वाले हैं। यहाँ पे आप इनपुट लोगे तो कोई भी चीज़ का इनपुट लोगे, लाइक किसी भी नंबर का इनपुट लोगे आप, बट यहाँ पे INT उसका फुल फॉर्म इंटीजर होता है, अगर वो नहीं लोगे आप तो आप किसी वर्ड का मल्टीप्लीकेशन या एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें इंट लेना होगा, इंट के लिए भी एक अलग से ब्रैकेट बनाना होगा। तो ये यहाँ पे इंट के बगल में और एक यहाँ लास्ट में ब्रैकेट लगा लेते हैं हम लोग एंड यहाँ पर भी वही सेम चीज़, यहाँ पे इंट लिख लिया हमने एंड अब हम इसको रन करके देखते हैं। अभी तो मेरे हिसाब से कोई एरर नहीं आना चाहिए। लेट सी 5 5 एंड सम इज 10, सब्ट्रैक्शन 0, मल्टीप्लीकेशन 25 एंड डिवीजन इज 1.0। सो वैसे ये वीडियो के लिए बस इतना ही क्योंकि आज हमने सिर्फ यूजर इनपुट लेना सीखा, पहले से जितना कोड लिखा ही हुआ था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग को ये, अगर आप पाइथन के बहुत बेसिक सीख रहे हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये जो लाइन लिखी है और ये सारी चीज़ें, तो आप पहली वीडियो जाके जरूर देखना नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ रहे हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, ये सब बी प्रणव सब ये एम क्या है वो सब आप लोगों को पिछले वीडियो में जरूर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा कुछ नई चीज़ के साथ, पाइथन ही का भी सीरीज कंटिन्यू करने वाले, मैंने प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जरूर जिसमें से कि आप सारे एपिसोड्स उसके देख सकते हैं। एपिसोड 2 था, एपिसोड 1 जरूर देखें। मेरी ऑल इन नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।